मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेटसब के मैनेजमेंट का, नेटसब के तमाम लीडर्स का, जिनकी वजह से ये कंपनी आज पिछले 18 साल से चल रही है और आने वाले दिन में पूरे भारतवर्ष का नहीं पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदलने वाली है। और उसमें हम लोग साथ, देखो इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जिम्मेदारी जो कभी दी नहीं जाती है बस ली जाती है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है बस ली जाती है। लांस नायक ध्यान सिंह, ध्यान सिंह हॉकी में इतने जादूगर थे कि वो दिन में तो खेलते ही थे रात को भी खेलते थे, दिन में तो खेलते ही थे रात को भी खेलते थे, जब चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे, उस समय करंट नहीं हुआ करता था। 1932 ओलंपिक का खेल, 25,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे, ध्यान दीजिएगा, 25,000 लोगों के बीच में 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला, अकेले 15 गोल दागे थे। उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर वहां मौजूद था, और हिटलर आया, उतरा नीचे, बोला हॉकी तोड़ो, इसकी हॉकी तोड़ो, ये कैसे चिपका के खेलता है, चुंबक निकलेगा। कुछ नहीं निकला, रात को घर पे बुलाया, बोला हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो मिस्टर ध्यान सिंह, बोला मेरा नाम है मिस्टर ध्यान चंद, मैं हॉकी के इंडियन आर्मी में काम करता हूं। तो बोला तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया है, आज ही आ जाओ जर्मनी का होके खेलो, तुमको रात आ रात एयरफील्ड मार्शल बना देते हैं। अब बात देश की आ गई थी, आप सुनना चाहेंगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, यह मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश को आगे बढ़ाने की। आज मैं आप 3,000 लोगों के बीच में बोलता हूं, यह ऐलान करता हूं, ये है हमारे साउथ के सुपरस्टार, जिनको माइक की जरूरत नहीं पड़ी।